यूपी के उन्नाव से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जिला पंचायत के चुनाव प्रचार के समय बिछिया सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार कलाऊ यादव के समर्थक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ मिनटों में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हुई। कुछ लोग तो लाठियां बरसाकर अपनी ताकत दिखाने लगे, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। सब इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे के साथ हाथापाई और गाली गलौज भी शुरू हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। तो प्रचार के समय हंगामा हुआ और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। इसके बाद पत्थरबाजी होती है और आखिर में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज भी करवाते हैं। तो ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव से सामने आई है, जहां पर जिला पंचायत के चुनाव प्रचार के समय बिछिया सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार कलाऊ यादव के समर्थक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते बात ज्यादा बिगड़ गई। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हुई। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि यूक्रेन से तनाव के बीच उसका पड़ोसी रूस बिना किसी ड्राइवर के चलने वाला अपना रोबोट टैंक उरान 9 मैदान में उतारने की तैयारी में। पिछले दिनों रूस के रक्षा मंत्री ने इन टैंकों का मुआयना भी किया था, जिससे पहले रूस ने इन टैंकों को सीरिया की लड़ाई में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए थे। मगर बताया गया कि अब इस टैंक की सभी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। दावा है कि मशीन गन, तोप और एंटी टैंक मिसाइल से लैस उरान 9 रोबोट टैंक ढूंढ ढूंढ कर दुश्मन को ढेर कर देगा। पानी और कीचड़ से भरा रास्ता हो या मैदान पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हो, उरान 9 टैंक कहीं भी आराम से दौड़ सकता है। ये अपने रास्ते में आने वाले हर रोड़े को पार कर सकता है। उरान 9 की सबसे अहम खासियत ये है कि इसे चलाने के लिए सैनिकों को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। इसे करीब 3 किलोमीटर दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। कंसोल पर ऑपरेटर का एक इशारा और युद्ध के मैदान पर दुश्मन ढेर। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए इससे बचने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने एक ऐसा ही अनोखा तरीका निकाला। वहां की गाड़ी पर यमराज के वेश में एक आदमी को खड़ा करके शहर के कई हिस्सों में घुमाया गया। यमराज के वेश में गाड़ी पर खड़े आदमी के पास सी एक अर्थी भी रखी गई, जिस पर लिखा गया कि ये आप हो सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि इस तरह से कोरोना के बढ़ते खतरे को दिखाकर हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं, इसे बताने की कोशिश की गई। रैली में डमी के रूप में हमने एक यमदूत का रोल प्ले करवाया और साथ में कोरोना से मृत्यु वाला जो कीट होता है डेड बॉडी का, उसका एक पुतला बना के और शव का रूप दिया और लोगों को इन दोनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे या 2 गज की दूरी बनाकर नहीं रखेंगे या टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो हो सकता है संक्रमण जनता को परेशान कर सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि जनता को अवेयरनेस करना है। जहाँ टीकाकरण के लिए बहुत कम आ रहे हैं, प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, इसलिए हमने इस तरह का प्रयोग किया है जिससे जागरूकता बढ़े। उत्तर प्रदेश में खेतों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार खेतों की जुताई कर रहे ट्रैक्टरों में आग लगने की कुछ तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई, जहां खेत के बीच एक ट्रैक्टर लपटों में घिर गया। बताया गया कि ट्रैक्टर की बैटरी से निकली चिंगारी से ये आग भड़की और उसने ट्रैक्टर के साथ साथ वहां तैयार गेहूं की फसल को भी अपनी जद में ले लिया। जैसे ही गांव वालों को इसका पता चला, उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। हालात बिगड़े तो वहां अफरा तफरी भी मच गई। अरे कहते जैसा जोर बचा ना टंकियों के फटफटा जाए यार। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गोरखपुर से भी सामने आई, जहां गेहूं से भरा एक ट्रक धधकने लगा। बताया गया वो ट्रक बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसमें लदी फसल से लपटें उठने लगी। कुछ देर में ही पूरा ट्रक जलने लगा। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग मदद के लिए घटना वाली जगह पहुंचे और आग पर रेत और पानी फेंककर उसे बुझाने में जुट गए। जल्दी पानी ना, पानी कहां पानी ना यार। इस घटना में गाड़ियों के साथ फसलों के राख होने से कुछ किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ यही हाल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी नजर आया, जहां आग की चपेट में आने से गेहूं की फसल खेतों में जो है वो जल गई। क्योंकि लोगों की कोशिश के बाद भी गेहूं के खेत से उठती लपटों को बुझाया नहीं जा सका, वहां से सामने आई एक तस्वीर ने लोगों को ही डरा दिया। गेहूं की तैयार फसल जो कई बीघे में फैली थी वो अचानक धधकने लगी।
आसपास के लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़ने भी लगे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो तेज हवा के साथ बेकाबू हो गई और उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ छा गया। दिल्ली में फिर सेरो सर्वे शुरू हो गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से फिर सेरो सर्वे शुरू कर दिया गया। सेरो सर्वे में खून का सैंपल लेकर शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी देखी जाती है। अगर किसी के शरीर में एंटीबॉडी पाई गई तो इसका मतलब वो कभी न कभी कोरोना की चपेट में आया होगा। कोरोना चल रहा है अभी, इसी के लिए टेस्ट कराने ले आए हैं बच्चे को। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ ने पहल की और कुछ दिव्यांग युवाओं को ट्यूलिप गार्डन की सैर करवाई। 25-30 बंदे थे तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है आज। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें देश में सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने का निर्देश देने की मांग की गई। ये याचिका तहसीन पुनावाला ने दाखिल की। अभी तक देश में 45 साल से ऊपर वाले लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में लावारिस गाय के हमले में एक लड़के की मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गाय ने उस लड़के पर अपने सींग से हमला किया जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास एक बारात घर को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया। यहां पर एलएनजेपी अस्पताल में इलाज करवाने आए उन मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के बेहद कम लक्षण हैं। इस सेंटर पर लोगों के लिए बिस्तर और ऑक्सीजन मशीनों के अलावा सभी जरूरी सुविधाओं के इंतजाम किए गए। ये तस्वीर दिखाती है कि दिल्ली में जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है और सरकार जो है वो चिंतित है और उसी तरीके की उसी लेवल की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अगर किसी भी आदमी को कोरोना हुआ तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सिम्टम आते हैं अपने आप को टेस्ट कराइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अस्पताल का रुख तभी करिए अगर उसकी जरूरत लगती है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई जिसके बाद अदालत परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई, साथ ही उन्होंने दूसरे लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की ताकि कोरोना संकट से निपटने में जल्द मदद मिल पाए। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर इजाफा होने के बाद दिल्ली सरकार ने बसों और मेट्रो में 50% यात्रियों के सफर का आदेश लागू कर दिया जिसके बाद बसों में इस नियम का सख्ती से पालन होता दिखा। जो आप पैसेंजर्स देखेंगे सीट छोड़कर बैठे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ सीट्स पर नजर आ रही है, लेकिन लोगों ने दावा किया कि इस आदेश के लागू होने से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिक्कत है, घंटों बस इंतजार करना पड़ता है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच पीएम मोदी सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। 14 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। देश के सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपाल से पीएम मोदी कल शाम 6 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण पर चर्चा होगी। इससे पहले कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। हालांकि पीएम ने कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन से इनकार किया था। ड्रग्स केस में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां कर चुकी एनसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने आगरा, बलिया और राजधानी दिल्ली में छापेमारी की और 12 करोड़ की प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की। इन दवाओं को अवैध तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में भेजने के आरोप में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। एनसीबी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी डार्क नेट के जरिए अपने इस गोरख धंधे को अंजाम देते थे। डार्क नेट वो वेबसाइट होती है जिन तक गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन की मदद से नहीं पहुंचा जा सकता और इसी खास सॉफ्टवेयर या किसी विशेष प्रक्रिया से ही इन वेबसाइट्स का पता चल सकता है। इस पूरे ऑपरेशन को एनसीबी ने 3 महीने में अंजाम दिया। हालांकि एनसीबी को इस मामले में अभी एक दवा कंपनी के मालिक की भी तलाश है। तमाम अपराधों को डार्कनेट के जरिए अंजाम दिया जा रहा है जिसमें ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी शामिल है। यही वजह है कि एनसीबी ऑपरेशन डार्कनेट के जरिए तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के अलावा बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक साबित हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो रोज बड़ी संख्या में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। 5वें चरण में बीजेपी और गृह मंत्री की नजर गोरखा वोटों को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करने पर है, जिसके लिए अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तरी बंगाल में गोरखा वोटर सियासी तौर पर बड़ी अहमियत रखते हैं, इसलिए अमित शाह ने दिन के प्रचार की शुरुआत
कालिमपोंग में रोड शो से की। अमित शाह का रथ जहां से घूमा केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घरों के छज्जों और छतों तक लोग जमा हो गए। बीजेपी के लहराते हुए झंडे दूर दूर तक दिखाई देने लगे। जहां माना जाता है कि पहले कोई सांसद को देखना नसीब नहीं होता था, वहां गृह मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता खुद पहुंच रहे हैं। और ये थोड़ी सी मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा, कितनी लंबी कतार है। यहां से लोकसभा में राजू बिष्ट बीजेपी के सांसद हैं, जिन्हें भरोसा है कि गोरखा वोटर बीजेपी का ही साथ देंगे। पूरा गोरखा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वैसे भी गोरखा देशभक्त समाज है और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नेचुरल अलायंस भी है। रोड शो के बाद गृह मंत्री धूपगिरी में एक जनसभा में पहुंचे, लेकिन यहां भी भीड़ देखकर उनके इरादे और मजबूत हो गए। ये सभा का मूड देखकर मुझे लगता है कि 2 तारीख को दीदी की विदाई निश्चित है। सिलीगुड़ी में देर शाम उन्होंने एक और रोड शो किया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही 1 किलोमीटर तक भीड़ जमा हो गई। ये अमित शाह जी के 4th रोड शो का आज का आप हाल देख सकते हैं। अभी उनको आने में आधा घंटा है और यहाँ 1 किलोमीटर लंबा जनसभा है। उत्तरी बंगाल की सियासी अहमियत बीजेपी अच्छी तरह से जानती है, इसलिए पार्टी के सारे स्टार प्रचारक और तमाम बड़े नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां ताकतवर भूकंप में 8 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। 6.0 की तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराई में था, लेकिन जमीन के ऊपर उसने जो दहशत और तबाही मचाई उसकी कई तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। उन्हीं में एक तस्वीर में एक सुपरमार्केट में रखा सामान भूकंप के झटकों से थरथर कांपता दिखा। पहले रैक हिलते दिखे और फिर अगले ही पल उसमें रखा सामान जमीन पर गिरने लगा, जिसे देख वहां मौजूद लोग भाग खड़े हुए। पूर्वी जावा के मालांग शहर से सामने आए एक और वीडियो में तो एक पूरी की पूरी इमारत बुरी तरह कांपती नजर आई। सिर्फ एक दो नहीं, दहशत के ऐसे तमाम पल कैमरे में रिकॉर्ड हुए, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। इस ताकतवर भूकंप ने लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया, उनके घर दुकानें सब कुछ मलबे में बदल गया। कई मकान पूरी तरह ढह गए और जो बच गए उनकी दीवारें और छतें चटक गईं। भूकंप के झटकों में स्कूलों और कई सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अपना सब कुछ खोने के बाद लोग वहां पड़े मलबे को हटाते और उसमें अपने बचे कुचे सामान को तलाशते नजर आए। खबर है कि वहां के गांव के 70% मकान भूकंप में तबाह हो गए। 5वें चरण के प्रचार के समय ही ममता बनर्जी को झटका लगा। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगा दिया, जो रैलियों के समय उनके कई बयानों की वजह से लगाया गया, जिनमें मुस्लिम समुदाय से वोट बटने नहीं देने की अपील और केंद्रीय अर्धसैनिक बल पर लगाए गए आरोप शामिल है। चुनाव आयोग इन मामलों में ममता बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आयोग ने आचार संहिता तोड़ने का दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की, जिसे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बता दिया। तो वहीं ममता बनर्जी खुद इस पाबंदी के विरोध में कोलकाता में आज धरना देंगी। ममता बनर्जी के प्रचार करने पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले पर सियासी घमासान भी खड़ा हो गया। टीएमसी ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया, तो एनसीपी ने भी चुनाव आयोग से इस फैसले की वापसी की मांग की। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग को फैसले को सही ठहराते हुए एक बार फिर ममता बनर्जी को घेरा। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, उसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। जिस तरह से चुनाव आयोग ने ममता दीदी पर प्रचार करने पर पाबंदी लगाई है, हमें लगता है ये उचित नहीं। एक राष्ट्रीय नेता जो पार्टी की प्रमुख है, उन्हें प्रचार से रोकना ये आदेश उचित नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लग रहा है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग अपना आदेश वापस ले। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसने ये फैसला सोच समझ के लिया। जाहिर है किसी को भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, इस तरह की अपील करने के लिए कि आप समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन के समय जिस तरह से आपने अपील की वो सरासर गलत था और जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच महाराष्ट्र के कुछ अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। अहमदनगर जिले की एक घटना में दावा किया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर बंद होने से कोरोना वायरस के 2 मरीजों की मौत हो गई।
और उसी अस्पताल में भर्ती बाकी कोरोना मरीज ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से परेशान होते दिखे। बाद में अस्पताल का स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर को बदलने में जुट गया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उस्मानाबाद के एक सरकारी अस्पताल से भी सामने आई। वहां कुछ कोरोना मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हुआ। बेड की कमी ऐसी कि उनका इलाज कुर्सी पर बैठाकर और जमीन पर लेटाकर ही शुरू करना पड़ा। इस बीच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि अस्पतालों में इंतजामों को किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा हुई। अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन लेने की कोशिश चल रही है, बेड बढ़ाने का काम शुरू है। वार्ड के हालात देखकर ये पता लगाना मुश्किल दिखा कि ये कोरोना मरीजों के इलाज की जगह है। 2 घंटे से कम की घरेलू उड़ानों में खाना नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया कि अब 2 घंटे से कम की घरेलू उड़ानों पर खाना नहीं मिलेगा। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ये नियम गुरुवार से लागू होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया। खासकर दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों की कोरोना जांच ज्यादा तादाद में हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी है। नई दिल्ली स्टेशन पर बात करें तो पहले 2 काउंटर हुआ करते थे, अब 4 काउंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन राज्यों के यात्रियों की जांच जरूरी कर दी गई जहां कोरोना बेकाबू है। तो आपकी ट्रेनें महाराष्ट्र से आ रही है, केरल से आ रही है, पंजाब से आ रही है, इन सब पैसेंजर को हम रोकते ही रोकते हैं। पूर्व जज सुरेंद्र यादव को यूपी का उप लोकायुक्त बनाया गया। सुरेंद्र यादव लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में जज थे और अयोध्या मामले में फैसला भी सुनाया था। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया। अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने पिछली टीएमसी और लेफ्ट सरकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरकारों ने गोरखा समुदाय के लोगों पर काफी अत्याचार किए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क नहीं लगाने वालों को सबक सिखाने के लिए वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ ने अनोखा तरीका निकाला। वहां सीएमओ एक साइकिल पर पीछे बैठकर बाजारों के बीच घूमते रहे। इस बीच वो मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाते रहे। इसके बाद सीएमओ वहां की दुकानों में पहुंचे और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे सभी के चालान काटे गए। छतरपुर नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने दावा किया कि उनकी गाड़ी बाजार में आते देख लोग मास्क लगा लेते थे, जिसके बाद उन्होंने साइकिल से चलने का फैसला किया। हनुमान के जन्म स्थान पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जंग छिड़ गई। news18.com की रिपोर्ट है कि दोनों राज्य अपने अपने यहाँ हनुमान का जन्म स्थान होने का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोग्गा के रामचंद्रपुर मठ के प्रमुख राघेश्वर भारती ने दावा किया कि हनुमान का जन्म राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कोंकण में हुआ है। इसके बाद इसके पीछे उन्होंने रामायण का ही हवाला दिया और दावा किया कि हनुमान ने खुद सीता से कहा था कि उनका जन्म स्थान गोंकड़ में है, जबकि इससे पहले दावा किया गया था कि हनुमान का जन्म कर्नाटक के कोप्पल में हुआ था। लेकिन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का दावा यह है कि हनुमान की जन्मभूमि आंध्र प्रदेश के तिरुपति की अंजानद्री पहाड़ी में है। इसलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उसने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जो 21 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नियम तोड़कर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर खूब पीटा। पुलिस वालों को ये लोग एक दिन पहले वीकेंड लॉकडाउन के समय सड़कों पर घूमते मिले थे, जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए एक लाइन से उन्हें मुर्गा बनाया गया और जो भी सजा में कोताही बरतता दिखा उस पर पुलिस वालों ने खूब लाठियां बरसाई। पुलिस वालों ने नियम तोड़ने वाले इन लोगों पर घूम घूम कर निगरानी भी रखी। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में चक्रवात ने भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। चौथी श्रेणी के चक्रवात सिरोजा की वजह से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर केलबारी से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई इमारतों की छतें उड़ी नजर आई, जबकि कई आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। वहीं जेरल्टन में भी चक्रवात ने काफी नुकसान पहुंचाया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोग चक्रवात से पहले की तैयारी में जुटे नजर आए। लोग अपने मकान और दुकानों के बाहर बोरियों में रेत भरकर उसे बाहर रखते नजर आए, ताकि चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
वहां से कई लोगों को बसों के जरिए सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया। We are asking them to leave. We are providing buses. यही हाल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में था जहां चक्रवात की वजह से भारी नुकसान हुआ। बंगाल में आज अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान के समय आज गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जगह जगह प्रचार करेंगे। चंडीगढ़ के एक्सिस बैंक में तैनात सुरक्षाकर्मी बैंक परिसर में रखे करीब 4,04,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं ये पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सुरक्षाकर्मी बार बार बैंक के अंदर जाता दिखा। बिहार के मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 15 मकान जलकर राख हो गए। वहीं हादसे में 4 साल की एक बच्ची की जलकर मौत हो गई। सरकारी सहायता के रूप में इन सबों को जो दे है उनको बहुत शीघ्र दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में घर में क्वारंटीन हुए कोरोना मरीजों की मदद के लिए शिवराज सिंह सरकार ने भोपाल में एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। बताया गया कि राज्य में फिलहाल 60% कोरोना मरीज होम क्वारंटीन है, जिनकी मदद के लिए ये सेंटर खोला गया, जहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से मरीज ऑनलाइन बातचीत करके अपनी परेशानी उनसे साझा कर सकते हैं। अभी मैं कोविड केयर सेंटर हूं कि होम क्वारंटाइन लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तकलीफें क्या है। किसी समस्या के बारे में पता चलने पर कोरोना मरीजों को इस सेंटर में बैठे लोग सलाह भी देते दिखे। गरारे कीजिए और गर्म पानी पीजिए। स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर संजय गोयल और शहर के कलेक्टर अविनाश लवानिया भी सेंटर में पहुंचे और देखा कि वहां मौजूद लोग मरीजों तक मदद पहुंचाने का काम किस तरह से कर रहे हैं। चेक किया है कि वो क्या फ्रीक्वेंटली रेगुलरली डेली कॉल रिसीव कर रहे हैं। मरीजों से बातचीत के लिए कुछ प्रश्नों की एक सूची भी तैयार की गई, ताकि रोजाना उनके स्वास्थ्य से जुड़ी बारीक बातों पर नजर रखी जा सके। पीएम ने बिहार के एक थानेदार की बंगाल में पीट पीट कर हुई हत्या की घटना पर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। 2 दिन पहले बिहार के किशनगंज के थानेदार अश्विनी कुमार एक आरोपी को पकड़ने के लिए बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। माने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो माने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां, दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? ईरान के परमाणु केंद्र में ब्लैकआउट के पीछे इजराइल का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि ईरान को शक है कि एक दिन पहले उसके परमाणु केंद्र में जो ब्लैकआउट हुआ था उसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है। इतना ही नहीं, उसने इस ब्लैकआउट के पीछे साइबर अटैक को वजह बताया और इसे आतंकी हमला करार दिया। साथ ही दावा किया कि हमला किसी साजिश के तहत परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया होगा। इस हादसे के बाद ईरान के कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप कर दी गई और उन इलाकों में अंधेरा छा गया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 लुटेरे दिन दहाड़े एक महिला की सोने की चेन लूट ले गए। महिला इलाके की एक दुकान पर सामान लेने पहुंची थी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश उसकी गले से चेन छीन कर भाग निकले। इस घटना की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बदमाश महिला के गले से चेन झपटते दिखाई दिए। लूट के बाद महिला बदमाशों के पीछे दौड़ी, लेकिन दोनों ही बड़ी आसानी से मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग निकले। बाद में महिला ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया, जांच किया, फिर इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने खास टीम बनाई है, जो सीसीटीवी वीडियो के जरिए उनकी पहचान में जुट गई। गुजरात के कच्छ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक बेकाबू कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरा हादसा सड़क किनारे एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें तेज रफ्तार एक कार सड़क पर हवा से बातें करती दिखाई दी और तभी अचानक वो बेकाबू हो गई। इसके बाद उसने सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होते ही मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी हवा में उछल गया और दूर एक दुकान के बाहर गिरा। उसके पीछे वो कार भी तेजी से दुकान की तरफ बढ़ी और उसकी दीवार से जा भिड़ी। इसके बाद हादसे वाली जगह पर धूल का गुब्बार छा गया, जिसकी वजह से वहां कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब धूल छटा तो कार के अंदर हलचल दिखाई दी। अंदर बैठा एक आदमी कार से बाहर निकलता नजर आया। थोड़ी देर बाद कार का ड्राइवर भी सही सलामत बाहर निकल आया। हालांकि इस हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। फिल्म मेजर का टीजर जारी कर दिया गया।
सलमान खान ने फिल्म मेजर का टीजर जारी कर दिया। ये फिल्म 26/11 मुंबई हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर बनाई गई है। देश से हर कोई प्यार करता है, पेट्रियोटिक बनना सबका काम है और इन पेट्रियट्स की रक्षा करना सोल्जर का काम है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई में पेशी होगी। सीबीआई ने उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। देश में एक दिन पहले शुरू हुए टीका उत्सव में करीब 30 लाख लोगों ने टीके लगवाए। कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान तेज करने के लिए ये टीका उत्सव शुरू किया गया। रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 5.52% हो गई। इससे पहले ये फरवरी में 5.03% रही थी। केरल विधानसभा चुनाव के बीच हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि राज्यसभा की 3 सीटों पर मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही चुनाव होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के कार्यकाल में चुनाव करवाने की बात कही थी। केरल की 3 राज्यसभा सीटें 21 अप्रैल को खाली होंगी, जिसके बाद अब इन सीटों पर 2 मई से पहले चुनाव कराना होगा। देश के दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में फिर कोरोना मरीजों के बढ़ने पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के हालात पर खुद सुनवाई की पहल की और सरकार की नीतियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसमें सुधार करने का आदेश भी दिया। साथ ही कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरटीपीसीआर टेस्ट की जांच रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी पर भी चिंता जाहिर की और कोरोना की जांच तेज करने पर जोर दिया। तो वहीं शादी समारोह में लोगों की संख्या 100 से घटाकर 50 करने का सुझाव दिया, जबकि जो लोग कोरोना निर्देशों का पालन नहीं कर रहे उन्हें कोर्ट ने कोरोना सेंटर भेजने तक के लिए कह दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी, जिसमें हाईकोर्ट सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को देखेगा। सरकार विश्वास के लिए काम नहीं करती है, सरकार काम करती है लोगों को सेवा करने। अगर 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 कोर्ट की इच्छा है कि हमको कुछ ज्यादा दिखाना चाहिए तो हम दिखाएंगे। मुंबई में फिर कोरोना का टीका लगाने का अभियान तेज कर दिया गया। वैक्सीन की कमी की वजह से वहां के कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए थे। इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वहां 2 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज भेज दी गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स को खोल दिया गया और लोगों को वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो गया। मुंबई से आई एक तस्वीर में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग अपनी बारी के आने का इंतजार करते दिखाई दिए। नंबर आने के बाद उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया। इनमें कई ऐसे भी लोग थे जो कोरोना के टीके की दूसरी खुराक लेने पहुंचे थे। दूसरी डोज लगवाने के बाद तो कुछ लोग खुशी से झूमने लगे। बहुत अच्छा लगा, सेकंड डोज हम लोगों को टाइम पे मिला, थैंक्स फॉर आवर गवर्नमेंट। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने साफ किया कि अब वहां कोरोना वैक्सीन की किल्लत तकरीबन खत्म हो चुकी है। अभी स्मूथली वैक्सीन हो रहे हैं, सेकंड डोज वाले भी अभी वैक्सीन ले रहे हैं, फर्स्ट डोज वाले को भी अभी वैक्सीन देना शुरू किया है। वैक्सीन की कमी के बाद पिछले कुछ दिनों से मुंबई के कई अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर्स से लोगों को निराश होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा था। पीएम मोदी आज रायसीना संवाद के 6वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसमें रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क की पीएम भी शामिल होंगी। कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। रायसीना संवाद आज से 16 अप्रैल तक चलेगा। रायसीना संवाद कार्यक्रम को 2016 में शुरू किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में भू राजनीति और भू विज्ञान पर चर्चा होती है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन भी इसके एक सेशन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 50 सेशन होंगे, जिसमें 50 देशों से 150 लोग अपने विचार रखेंगे। तो पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। आज से रायसीना संवाद की शुरुआत होने वाली है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम होगा, जो कि 16 अप्रैल तक चलेगा। 2016 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो आज पीएम मोदी इसके 6वें संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। 50 देशों के 150 लोग अपनी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें रखेंगे। इसमें रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क की पीएम भी शामिल होंगी। कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। रायसीना संवाद आज से लेकर 16 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि रायसीना संवाद कार्यक्रम को 2016 में शुरू किया गया था और आज उसका 6वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं। लद्दाख से चीन की हेकड़ी निकालने में बड़ी भूमिका भारतीय फौज के टैंक दस्ते की रही, लेकिन भारत के टैंक दस्ते की भूमिका केवल चीन से लगने वाली सीमा पर ही नहीं, बल्कि राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर भी है और इसीलिए टैंकों से सटीक निशाने दागने का लगातार अभ्यास किया जा रहा है।
जिसके लिए राजस्थान की तपा देने वाली गर्मी में T90 टैंक लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इन टैंकों की खासियत ये है कि लद्दाख का -50 डिग्री तापमान हो या राजस्थान में झुलसा देने वाला 50 डिग्री का पारा हो, ये टैंक हर मौसम में बेजोड़ है। सटीक निशाना दागने के लिए इन टैंकों से लगातार अभ्यास कराया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम उस अभ्यास में शामिल हुई जहां इन टैंकों ने हर निशाने पर सटीक निशाना साधा। इस तरह का अभ्यास दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में भी किया गया। T90 टैंक इस वक्त लगातार यहां फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा है और यही टैंक जो है इस वक्त लद्दाख में भी मौजूद है और वहां पे चीन के टैंकों का जो है सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख में भारतीय सेना को इन टैंकों से गोले दागने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इनकी मौजूदगी ही चीन पर दबाव बनाने में कामयाब रही। आमने सामने टैंकों की लड़ाई शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि इन टैंक्स को उस वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। भारत जानता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए तनाव कम होने के बावजूद लद्दाख में इन टैंकों के दस्ते अब तक तैनात हैं।